हाल ही में रूस ने अपनी परमाणु मिसाइलों का जमीन आसमान और समुद्र से परीक्षण किया था और रूस के इन न्यूक्लियर टेस्ट से लग रहा था कि वो अब यूक्रेन में अमेरिका पर लगाम कसने के लिए परमाणु बम तक इस्तेमाल कर सकता है। और इससे पहले 25 अक्टूबर 2023 को रूस की संसद के उच्च सदन ड्यूमा ने वैश्विक परमाणु परीक्षण संधि यानी CTBT को रद्द कर दिया था और अब इस फैसले को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से आखिरी मंजूरी मिलनी बाकी है। रूस ने साल 2000 में इस संधि को मंजूरी दी थी लेकिन अब उसने अपना फैसला रद्द कर दिया है और यही वजह है कि रूस की मंशा को देखते हुए अमेरिका ने भी बड़ा ऐलान किया है। दरअसल अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन ने ऐलान किया है कि अमेरिका न्यूक्लियर ग्रेविटी बम B-61-13 को बनाने जा रहा है। ये बम पिछले वेरिएंट B-61-12 पर आधारित होगा। इस परमाणु बम में पिछले वेरिएंट के सभी सुरक्षा और सटीकता के फीचर्स को शामिल किया जाएगा और ये बम कुछ सख्त और बड़े सैन्य ठिकानों को उड़ाने में सक्षम होगा। पेंटागन का कहना है कि परमाणु बम की मूलभूत भूमिका है अमेरिका या उसके सहयोगियों और साझेदारों के खिलाफ किसी भी तरह के परमाणु हमले को रोकना। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट का कहना है कि अमेरिका का नया B-61-13 परमाणु बम B-61-7 न्यूक्लियर ग्रेविटी बम की ताकत पर आधारित होगा जो B-61-12 से ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक B-61-13 में 360 किलोटन विस्फोट हो सकता है जो B-61-12 के 50 किलोटन से काफी ज्यादा है। इसको लेकर फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट का कहना है कि अमेरिका B-61-13 परमाणु बम का इस्तेमाल सिर्फ अपनी सेना के लिए करेगा। इस बम को अमेरिका के सहयोगी विशेषकर नेटो देशों को नहीं बेचा जाएगा। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि इस बम के लिए किस फाइटर जेट का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें चीन के बढ़ते परमाणु हथियारों के जखीरे का जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि चीन के पास अब 500 से ज्यादा सक्रिय परमाणु हथियार हैं और 2030 के दशक के अंत तक चीन के पास 1000 सक्रिय परमाणु हथियार होंगे जो अमेरिका के लिए बड़े खतरे का संकेत है। यही वजह है कि अमेरिका अब अपने परमाणु हथियारों की संख्या में इजाफा करने के लिए अरबों डॉलर खर्च करने जा रहा है। जानकारों का कहना है कि अमेरिका के नए न्यूक्लियर ग्रेविटी बम को ऐसा बनाया जाएगा जिससे उसे आज के जमाने के एयरक्राफ्ट से गिराया जा सके। इन बमों में गाइडेंस सिस्टम नहीं होगा इसलिए ये एक बैलिस्टिक प्रक्षेपण प्रणाली से हमला करेगा और B-61-13 के आने से पुराने B-61-12 परमाणु बम के जीवन की मियाद भी बढ़ जाएगी जिसे पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की सरकार ने शुरू किया था। रिपोर्ट के मुताबिक पुराने B-61-12 परमाणु बम का प्रोडक्शन वित्त वर्ष 2025 तक चलेगा। हालांकि अमेरिका अपने इसी कैटेगरी के पुराने परमाणु बमों को इकट्ठा करके उसके नए वेरिएंट बना रहा है। ऐसे में कुछ जानकारों का कहना है कि तकनीकी रूप से ये नए बम नहीं है लेकिन इस बम को इस तरह से बनाया जा रहा है ताकि ये जमीन के भीतर बने सैन्य ठिकानों को भी तबाह कर सके क्योंकि चीन रूस और उत्तर कोरिया जैसे देश अब जमीन के भीतर अपने परमाणु हथियारों के अड्डे बना रहे हैं जो अमेरिका के लिए एक बड़ी चिंता की बात है।